बिहार में नगर निकाय चुनाव में देरी होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बिहार में अब नगर निगम का चुनाव बरसात के बाद होना तय हुआ है, यानी कि होने की संभावना जताई जा रही है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में चुनाव कराने की बात आयोग की तरफ से निकल कर सामने आई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग अपने ओर से चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने इसको लेकर जानकारी दी है। बताया है कि प्रदेश के सभी निकायों का कार्यकाल इसी महीने में समाप्त हो गया है। नियम यह कहता है कि इस महीने में चुनाव करवा लेना चाहिए था, लेकिन आयोग अभी भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो आगे हम जानेंगे कि आखिर चुनाव कराने में कहां देरी हो रही है। बता दें कि आखिरी समय में नए नगर निकायों का गठन और मतदाता सूची व वार्डों के गठन में हुई देरी एक बड़ा कारण सामने आया है। बता दें कि बिहार में बरसात के महीने में चुनाव कराना एक बड़ी ही मुश्किल समस्या है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ठंड के महीने में बिहार में नगर निकाय का चुनाव होगा। अगर हम वर्तमान में चुनाव की स्थितियों को देखें तो बताया जा रहा है कि 248 निकायों में चुनाव की तैयारियां चल रही है। वार्डों का गठन किया जा रहा है। इस बार प्रदेश में कुल 248 निकायों में चुनाव होना है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर 13 निकायों का कार्यकाल इस साल पूरा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इनका चुनाव अगले साल होगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश में 176 नए नगर पालिका का गठन किया है। बता दें कि इसी महीने वार्डों का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसी स्थिति में नगर निगम में नगर आयुक्तों की जिम्मेवारी दी गई है, तो वहीं नगर पंचायत व नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारियों की जिम्मेवारी दी गई है। निकायों को चलाने का एक तरीका यह भी है कि जनप्रतिनिधियों से मिलकर एक समिति का गठन किया जाए, इसके बाद निकायों में होने वाले कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन राज्य सरकार ने निकायों में अधिकारियों को जिम्मेवारी दी है। तो आइए अब जान लेते हैं नगर निकाय चुनाव में क्यों हो रही है देरी। नगर निगम चुनाव तय समय पर नहीं होने का सबसे पहला कारण है नगर निकायों का तय समय पर गठन नहीं होना। साल 2020 से नगर निकायों का गठन हो रहा है, लेकिन अभी तक गठन की प्रक्रिया चल ही रही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि अंतिम रूप से 13 निकायों का गठन 17 जून को किया गया था। अभी भी पूरे नगर निकायों का गठन नहीं हुआ है। प्रदेश में कुल 176 नगर निकायों का गठन होना है, जिसमें से 153 नगर निकायों का गठन हो चुका है। बाकी बचे हुए 23 के गठन की प्रक्रिया जारी है। नगर निकायों के गठन के बाद मामला नगर पालिका संशोधन नियम में आकर अटक गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची जारी करने में देरी हो रही है। बता दें कि प्रदेश में 248 नगर पालिका क्षेत्र हैं, जिसमें से 144 क्षेत्रों में मतदाता सूची जारी कर दी गई है, बाकियों में तैयारी चल रही है। इससे पहले साल 2017 में 112 सीटों पर चुनाव हुआ था। उस समय प्रदेश में 9 नगर निगम और 38 नगर परिषद और 65 नगर पंचायतों में चुनाव हुआ था। साल 2017 में 21 मई को चुनाव हुआ था, उसके बाद 4 जून को, यानी कि 2 चरणों में चुनाव कराया गया था। इसके बाद बिहार के सभी जिलों में नगर निकायों का गठन कर लिया गया। बता दें कि इस बार कई पंचायतों को नगर पंचायतों में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद से इस बार नगर निगमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और यही वो कारण है कि जिसमें कि नगर पंचायतों को कहले नगर निगम का कहले चुनाव होने में देरी हो रही है, क्योंकि उनका गठन ही नहीं हो पा रहा है, उनका परिसीमन होने में देरी हो रही है, वहाँ पर मतदाता सूची की लिस्ट जारी करने में दिक्कत आ रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।